नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित आवाज़ में। मैं हूँ आपके साथ पूजा, और आज यहाँ यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसी पर अभी चर्चा भी करेंगे। और हमारे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर साहब। तो सरवर साहब, पहले तो ये बताइए, ये जो आयोग का गठन हुआ है उससे खुशी है क्या? निसंदेह हम लोग बहुत दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने लगातार धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। भारतीय संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है, पवित्र, जहां किसी भी प्रकार से भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं। धर्म के आधार पर ना तो किसी को कुछ देने और ना धर्म के नाम पर किसी से कुछ छीनने की व्यवस्था। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उससे जुड़े जितनी भी धाराएं हैं, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 16 हो, 19 हो, 25 हो, जो भी धाराएं हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ देने लेने में नहीं होगा, सरकारी योजनाओं में नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से 10 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, और कुछ ही महीने बाद 10 अगस्त 1950 को उस समय की नेहरू सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, जो कि SC को रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। जो आर्टिकल 14-16 का तो वायलेशन सीधा उसमें दिख रहा। तो अब मुसलमान चूंकि उस वक्त जो थे राजनीति में, वो उस कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे जिनको ये लग रहा था कि मेरे हिस्से का तो कुछ जा ही नहीं रहा। कहा जाता है कि उस समय नेहरू जी ने मौलाना आज़ाद से पूछा भी था, हालांकि ये प्रमाणित नहीं है। मौलाना आज़ाद ने शायद कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है कि मुसलमानों में दलित भी होता। लेकिन एक बात जान लिया जाए, कोई ये कहे कि फला में दलित नहीं होता, फला में पिछड़ा नहीं होता, फला में आदिवासी नहीं होता, ये सरासर गलत। धर्म चाहे लोग कुछ भी धारण कर ले, जो सोशल स्टेटस है वो इक्वल है सबका, और सामाजिक स्थिति को देखकर, सोशल स्टेटस को देखकर ही रिजर्वेशन का मामला बना था। 1936 में प्रावधान हुआ था, जातीय जनगणना भी उसी आधार पर पहली हुआ था, जो आज तक फिर दोबारा नहीं हो सका। तो रिजर्वेशन शुरू हो गया, प्रतिबंध 10 अगस्त 1950 को लगा दिया गया। अब उस प्रतिबंध के खिलाफ मुसलमान तो नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन सिख आगे आए, चूंकि इस प्रतिबंध में ये कहा गया था कि केवल हिंदू दलितों को मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा। तो सिखों ने हंगामा शुरू किया, सरदार तारा सिंह के नेतृत्व में 1956 में सिख को इंक्लूड किया गया, एक अमेंडमेंट हुआ। फिर 1990 में पीपी सिंह की सरकार में फिर अमेंडमेंट हुआ, बौद्धिस्टों को भी शामिल किया गया। तो साहब, बौद्धिस्ट को आप शामिल कर लिए, सिख को शामिल कर लिए, सबका स्वागत है, लेकिन मुस्लिम को क्यों छोड़ दिया? एक बड़ी आबादी है, देश के कोने कोने में पाई जाती है, पेशेवर आबादी है, वो तमाम काम जो काम शेड्यूल कास्ट के दूसरे लोग करते हैं, वो सब मुस्लिम में जो शेड्यूल कास्ट है वो भी करते हैं। तो पेशे की बुनियाद पर जब आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इसमें धर्म कहाँ से बीच में आता? यही विरोध चल रहा था। 1994 से यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सड़क पर उतरकर इसका विरोध शुरू किया। 2004 में हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर 2020 में दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL हमने लगाया, और ये सारी लड़ाई चल रही थी। इसी बीच में मोदी सरकार ने KG बालाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन किया, हम लोगों ने स्वागत किया। मोदी जी ने हैदराबाद के भाषण में पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, उसका भी हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि अध्यक्षता KG बालाकृष्णन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें 5-6 सदस्य जो है वो उस समाज का जरूर हो, जिस समाज के विषय में जानने के लिए आयोग का गठन हुआ। तो ये डिमांड भी हमारा। दूसरा, उसमें कहा गया कन्वर्जन का मामला जो है वो देखा जाएगा, कन्वर्टेड दलित मुस्लिम को जो धर्म परिवर्तन करके दलित इस्लाम की तरफ आएंगे, उनको दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा? सवाल ये पैदा होता, हमने धर्म कभी बदला ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने कब बदला, नहीं बदला, हमको याद भी नहीं है। जितने भी पेशेवर दलित हैं भारत के, दलित मुस्लिम, इनके पूर्वजों ने बदला होगा। आरक्षण की व्यवस्था संविधान लागू होने के बाद हुई, संविधान में है, संविधान 1950 में लागू होता। तो 50 के बाद अगर किसी ने धर्म बदला है तो मत दीजिए उसको, लेकिन जो सैकड़ों साल से उस धर्म को अपना चुका है और उसी पेशे में है, उसका हिस्सा क्यों आप मारिएगा? 75 वर्षों से तो ऐसे ही मारे हुए हैं, मुखधारा से हम कटे हुए हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें क्रिश्चियन को का भी मसला है। क्रिश्चियन जो SC कैटेगरी के, वो भी मांग रहे हैं। क्रिश्चियन में अधिकांश जो है वो 1950 के बाद से कन्वर्टेड है।
कन्वर्जन उनके यहाँ लगातार चल रहा है एक मिशन के तहत। तो अगर सरकार चाहती है क्रिश्चियन को ना देना, वोट की पॉलिटिक्स आजकल होती है, तो क्रिश्चियन दलितों के वोट होंगे कितने, 10-20 लाख होंगे, इससे ज़्यादा तो वोट नहीं होंगे पूरे भारत में। 2-2.5% उनकी आबादी है, उसमें उनके क्रिश्चियन कम हैं, तो 30-40-50 लाख होंगे। लेकिन भारतीय मुसलमानों में जो पिछड़े मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, इनकी आबादी करोड़ों में है, तो वोट पॉलिटिक्स भी अगर करनी है तो इनको ज़रूर आप शामिल कीजिए। तो यही विनती, यही अपील करने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक तो आयोग में जगह मिले लोगों को, इस समाज के लोगों को, दूसरे कि आप ये कन्वर्जन शब्द से हम लोगों को बिल्कुल एलर्जी है। सरकार अगर कन्वर्जन पर कोई कानून बनाना चाहे बनाए, हम लोग विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन उसको आधार बनाकर इस अधिकार से हमको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब गठन का आयोग हो गया है और जो उसमें लोग रखे गए हैं आप ही के लिए बनाया गया है, लेकिन दूसरे लोग हैं, लेकिन वो लोग नहीं है, मुस्लिम नहीं है। एक केजी बाला कृष्णन जी, हाँ, जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के, वो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनके साथ एक रखा गया है यादव जी हैं, वो OBC से आते हैं, एक और जो रखे गए हैं। लेकिन असल आपने इस आयोग के गठन का उद्देश्य है कि मुस्लिम दलित जो है और क्रिश्चियन जो दलित हैं उनकी वास्तविकता को जानना है कि कब आए, कैसे आए, क्या स्थिति है, दिया जाए नहीं दिया जाए, ये सब जानना। तो भाई जिसके बारे में जानना वो है ही नहीं, उद्देश्य तो, वही है लेकिन भटका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये संशय तो होता है, हाँ, कि हमारे विषय में आपको जानना है तो जो हमारे एक्सपर्ट है उनको तो आपने रखा ही नहीं, हाँ, आपने उनको रखा है जो हमारे विषय में जानना भी चाहेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनको। इसलिए हम लोगों ने विनती की है मोदी जी से कि इस आयोग में आप 2-3-4-5 सदस्य और बढ़ाएं जो इस समाज का हो, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात है कि कन्वर्जन कोई इशू ना बनाया जाए, कन्वर्जन के लिए कोई भी कानून सरकार बनाना चाहे हम लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कन्वर्जन को आधार बनाकर अगर 341 में मुस्लिम दलितों की शमूलियत रोकी जाएगी, ये इंसाफ नहीं होगा। तो कहा तो ये भी जाता है कि इस्लाम धर्म में मतलब कन्वर्टेड ही आए हैं, 90% कन्वर्टेड आए हैं। कन्वर्टेड आए हैं तब आए थे जब संविधानिक व्यवस्था नहीं थी, तब देश में अलग अलग राजाओं महाराजाओं का राज चलता था, लेकिन अब जब संवैधानिक व्यवस्था है तो कन्वर्जन का क्या मतलब है? अगर 1950 के बाद कोई कन्वर्जन हुआ है तो आप बताइए, उसके उसको नहीं दीजिए, आप ये जांच कर लीजिए कि 1950 के बाद कोई अगर धर्म बदला है। लेकिन जो खानदानी पेशेवर है और सदियों से वो, उसको पता भी नहीं कि हम इस्लाम में कब आए, हमें नहीं पता, हमारे बाप को भी नहीं पता, हमारे दादा को भी नहीं पता, तो फिर हमें इसकी सज़ा आप क्यों दे रहे हैं? हम तो भारतीय हैं और भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों के हित की रक्षा करने की गारंटी देता है। तो हमें आपके साथ तो यही हो गया, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, रोने भी नहीं देंगे। तो बहरहाल हमें उम्मीद है कि मोदी जी हम लोगों की विनती सुनेंगे और हम लोगों ने जो डिमांड्स किए हैं उस पर वो ज़रूर कुछ न कुछ विचार करेंगे। अच्छा, CAA NRC से एक सवाल मैं लास्ट पूछ लेती हूँ। अभी साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि CAA NRC को लेकर के जो मुस्लिम बैठे थे वो गलत बैठे थे। अच्छा, अभी मेरा सवाल आखिरी ये है कि CAA NRC को लेकर अभी साहब ने बोला कि वहाँ पर जो बैठे थे मुस्लिम्स बैठे थे, मुस्लिम्स को ना बैठ करके दलित को बैठना चाहिए था, उन लोगों को बैठना चाहिए था जिनका ये मुद्दा था CAA NRC। तो यानी वो जो मुस्लिम्स बैठे थे वो भी तो दलित मुस्लिम्स थे और काफ़ी लोग वैसे भी बैठे हुए थे, तो क्या इससे सही है? और कागज की भी बात की है कि मुस्लिम्स के पास कागज हैं? नहीं नहीं, कागज जो CA है वो अलग चीज़ है और NRC अलग चीज़ है। CA नागरिकता देने का कानून है और CA में जो अमेंडमेंट हुआ है अभी 19 में जो मोदी सरकार ने किया, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो मुस्लिम ना हो, मुस्लिम के अतिरिक्त जो भी है, सबको नागरिकता देने का प्रावधान है, मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। ये आपत्ति थी मुसलमानों को कि सबको दे रहे हैं, मान लो कोई मुसलमान भी गलती से आ जाए तो उसको भी दे दीजिए। बहरहाल हम लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आना ही नहीं चाहिए, और अगर आता भी है तो उसको नागरिकता नहीं अगर सरकार देती है तो इस पर कोई वाविला मचाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का मांग यह है कि इस अमेंडमेंट में आप तिब्बत को शामिल कीजिए, श्रीलंका को शामिल कीजिए, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में हिंदुओं को सताया गया जो तमिल हिंदू थे और वो 80 के दशक में सब भारत भाग कर आए थे, आज तक शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता दीजिए। क्या कहते हैं, तिब्बत से बौद्धिस्ट आए हैं सब,
बड़ी तादाद में आए हुए हैं, जो हिमाचल में आज भी शरणार्थी बने हुए हैं, धर्मशाला में दलाई लामा जो उनके धर्मगुरु हैं वो भी हैं। आप तिब्बत को नहीं नागरिकता दे रहे हैं तो बौद्धिस्ट को एक तरफ कह रहे हैं दूंगा और एक तरफ नहीं दे रहे हैं, खेल दोनों हो गया ना। आप हिंदू को कह रहे हैं दूंगा और श्रीलंका के हिंदू को नहीं दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के हिंदू से प्रेम और श्रीलंका के हिंदू से प्रेम नहीं, ये सवाल तो पैदा होगा ना। तो हिंदू भाइयों को भी ये सवाल उठाना चाहिए था, केवल मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, तो ये मैं कह रहा हूँ। एक दूसरी बात, एनआरसी में जो आधार बनाया जा रहा है वो है सबसे ज़्यादा कि आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबको नहीं माना जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड माना जाएगा। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो आदिवासियों के पास मिलेगा ही नहीं, आप देख ले जाकर सर्वे करके, नहीं मिलेगा। बिहार का मैं हूँ, हमारे यहाँ डोम बिरादरी एक है, तो जो डोम मुस्लिम है उसको तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ज़मीन है जो अपने हैं, लेकिन जो डोम नॉन मुस्लिम से वो सड़कों पर है, सरकारी ज़मीन पर है, पट्टे पर है, ग्राम सभा की ज़मीन पर है या किसी मालिक के ज़मीन पर है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ भी नहीं है, तो एनआरसी से वो भी बाहर हो जाएंगे। एक कन्फ्यूज़न फैलाया गया कि अगर हिंदू एनआरसी से बाहर होगा तो उसको सीए से कवर किया जाएगा, गलत। सीए में सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसके नागरिक के लिए सीए है, भारतीय नागरिकों के लिए सीए नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। तो इसमें विदेश से आए हुए लोग ही तो नागरिकता मांगते हैं ना, हम अमेरिका जाएंगे तभी तो मांगेंगे, अपने देश में हम नागरिकता मांगेंगे नहीं, सिद्ध करेंगे। मांगना और सिद्ध करना समझ रहे हैं, मांगना होता मुझे नागरिक बना दो और सिद्ध करना मैं नागरिक हूं, दोनों फर्क समझे कि नहीं समझे। तो सिद्ध करने वाला कानून जो है एनआरसी, वो इफेक्टेड कर रहा है आदिवासियों को और दलितों को, और मांगने वाला जो इफेक्टेड कर रहा है वो हिंदुओं को और बौद्धिस्टों को। लेकिन धरने पर कौन बैठ गए? मुसलमान। और माहौल क्या बना कि एंटी मुस्लिम ये कानून है, और उस माहौल का फायदा जिसको हम नहीं पहुंचाना चाह रहे थे उसको मिल गया। इसलिए हम लोग यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ये कहना चाहती है कि सीएनआरसी जैसे कानून का बारीकी से अध्ययन किया जाना चाहिए, और देश के लोगों को अध्ययन करना चाहिए, आदिवासी नेताओं को करना चाहिए, दलित नेताओं को भी करना चाहिए। और एक अगर संवैधानिक संकट है तो पूरे देश के लिए, पूरा देश सड़क पर आए। अच्छा, जिसके पास कागज नहीं है वो कैसे सिद्ध करेगा अपनी नागरिकता? कागज नहीं है तो वो है ही नहीं नागरिकता, तो सिद्ध कैसे करेगा? हाँ। दो बात समझिए, काफी लंबे समय में जब 1970 की बात हो रही है तो कागज कहाँ से लाएंगे? यही तो असल लड़ाई है ना। एक आपको बैरियर बनाना चाहिए, वह 40 साल से कोई भारत में अगर रह रहा है, 50 साल से कोई रह रहा, 30 साल से कोई रह रहा, उसको हम मान लेंगे, तो तब तो राशन कार्ड, पहचान पत्र आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 40 साल 50 साल से रहने के लिए आप क्या दिखाइएगा? बिजली का बिल दिखाइएगा, राशन कार्ड दिखाइएगा, मकान का कागज दिखाइएगा? यहाँ मकान के कागज नहीं मांगे जा रहे, रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी जमीन आपके बाप दादा के नाम से खाता खतौनी है या नहीं है। ये संकट है देश में उन लोगों के लिए भी जो भारतीय हैं लेकिन वो गुलाम थे भारत में। हाँ। उनको जमीनें उनके बाप दादा के नाम खाता खतौनी नहीं रहा, वो मालिक की जमीन पर रियाया बनकर रहते थे, बाद के दिनों में वो ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर दिए, नाले पर रह गए, इधर उधर रह गए, संकट उनके लिए। तो लड़ाई उस संकट के लिए मिलकर लड़ना होगा, अगर हिंदू मुस्लिम करके लड़ेंगे तो न सीए को समझ पाएंगे, न एनआरसी को समझ पाएंगे, और न जिस बेचारे की लड़ाई लड़नी चाहिए न लड़ी जा पाएगी। जबकि जो डिटेंशन सेंटर की जो सर्वे आया था, एक सर्वे किया गया था डिटेंशन सेंटर में, बताया गया सबसे ज्यादा हिंदू थे वहाँ पर। आसाम में एनआरसी हुआ ना सर, आपको याद होगा, आसाम एनआरसी में 19 लाख लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर हो गए, 19 लाख में 14 से अधिक लाख हिंदुओं की तादाद, यानी 70%। भैया वो कौन से हिंदू है? ये सवाल, वो हिंदू आदिवासी है उसमें सबसे ज्यादा, उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, जब एनआरसी की जगह वो बाहर हो जाएंगे, अब बाहर हो गए तो उनको नागरिकता कैसे वो सिद्ध करेंगे? गर्व से कहो हम भारतीय हैं, वो कैसे कहेंगे आप बेचारे? इसलिए हम लोग लड़ना चाहते हैं, और सबको लड़ना चाहिए, लेकिन मिलकर, केवल मुसलमानों को नहीं, मिलकर, कि सरकार अपनी इस पॉलिसी में बदलाव लाए, और एनआरसी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कहा गया वो न कहकर 10-20-50 साल 60 साल का आप एक रिकॉर्ड मांगिए, वो रिकॉर्ड आसानी से कोई भी दे सकता है। मेरे पिताजी नौकरी करते थे वो रिकॉर्ड है, मेरे पिताजी का पहचान पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ भी है वो रिकॉर्ड, ये तो आसान है, रेवेन्यू रिकॉर्ड आसान नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे हाफिज़ गुलाम सरवर जी, जिस पर हमने चर्चा की कि किस तरह सी एएनआरसी का भी मुद्दा जो उठा था लगातार, उसमें मुस्लिम्स बैठे थे, लेकिन दलित मुस्लिम्स की बात अभी भी वहीं की वहीं है और आदिवासी और दलितों की बात भी वहीं की वहीं है। तो वो लोग कागज़ कहाँ से सिद्ध करेंगे कि जिनके पास कागज़ नहीं होंगे, उस टाइम में रहने वाले लोग कहाँ से कागज़ लाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, आपकी पहचान पत्र मान्य नहीं है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप यहाँ भारत के नागरिक हैं। और बताने को, कहने को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, लेकिन डिटेंशन सेंटर में सबसे ज़्यादा हिंदू पाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है देश की कि लोगों को खुद अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो यहाँ आयोग का गठन हुआ उसके लिए स्वागत किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ दुख ये भी है कि उन मुस्लिम्स को जो आज तक उनका स्वागत नहीं किया गया, आज तक उनको शामिल नहीं किया गया, वो दलित मुस्लिम कहाँ जाएगा। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।